सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ सारा और आज हमारे साथ मौजूद है यंग स्टार अंडरग्राउंड रैपर्स और आपको कुछ रैप्स के बारे में बताएंगे मिस्टर शाहनवाज। रैप्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, जिसकी स्टार्ट किया था जिसको बाबा सैकल ने, उसके बाद जमाना बदलता गया, चीजें बदलती गई, गाने के तरीके बदलते गए, नए नए सिंगर आते गए जैसे योयो हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार। उसके बाद आज हम आपको मिलवाएंगे एक नई टीम यंग स्टार के साथ, जिसके चार लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस टीम के। तो जानेंगे उनसे कि इस लाइन में उन्होंने कैसे कदम रखा और क्या खास उनको लगा कि इस गाने को गाया जाए और रैप्स को कुछ नया मोड़ दिया जाए। सो मेरा चारों से ही सवाल होगा। सबसे पहले मेरा सवाल होगा सैदर से। सैदर, इस रैप की दुनिया में आने से पहले आपके दिमाग में क्या आया कि मुझे रैपर बनना है, कैसे माइंड में आया आपके? ये मेरे एक फ्रेंड्स के जरिए हुआ, मेरे फ्रेंड के जरिए, मतलब वो मेरे लिख के लाया था मेरे पास, तब मैं लिखता नहीं था, बट वो लिख के लाया था मेरे पास कि मेरे को सुना रहा था कि हाँ मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ ऐसे, तो मेरे को बोला कि तू भी लिख। तो मतलब उसको कॉम्पिटिशन एक तरह से कह सकते कि उसकी वजह से मैंने भी लिखा कि उसको दिखाने के लिए। वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा कि हाँ मैं भी लिख सकता हूँ, मैंने सुना उससे बेटर था मेरा, बाकी फ्रेंड्स को सुना तो वो बोल रहे यार तू तो बहुत अच्छा लिख रहा है। तो वहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ कि हाँ मैंने और फिर लिखा, दोस्तों को सुनाता था, बोलते हाँ यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस थोड़ा कौन सा अभी आपकी एज क्या होगी? 70। तो 70 इयर्स में आप इतना अच्छा रैप कर रहे हो। चलो अभी तो हम आपके गाने भी सुनाने वाले हैं, अभी आपको इनके काफी गाने आ चुके हैं, 35 सॉन्ग इनके आ चुके हैं, रैप आ चुके हैं। तो अभी मिस्टर शाहनवाज आप कुछ जोनी से सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मैं जॉनी से जानना चाहूंगा, जॉनी जयसवाल वैसे इनका पूरा नाम है, नाम तो कुछ और है बट ये जो सिंगिंग में अपना नाम रखते हैं वो जॉनी जयसवाल है। अब आई डोंट नो कि नो जॉनी जॉनी जयसवाल क्यों चूज किया, कैसे किया, हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं। जानेंगे कि जॉनी आपने इस लाइन में कैसे कदम रखा, कैसे आपके माइंड में आया कि इतना टिपिकली जो रैपर्स होता है वो क्या आपने सोच करके लिखना शुरू किया, किसी ने बताया, कुछ बताइए इसके बारे में। एक्चुअली 9th क्लास का टाइम था, एग्जाम टाइम था, सो ये कुछ लिख रहे थे, मैंने उसको देखा तो इनका कोई रैप था बेबी डॉल करके, वो मैंने सुना, उसके बाद इसने बोला कि साथ में कुछ करते हैं, तो हमने लिखा था पहला गाना कुछ मैं हूँ दीवाना करके। मैंने अपने फ्रेंड्स को सुना, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, तेरी आवाज़ इससे मैच कर रही है, उस रैपर की तरह लग रहा है, लोगों ने तारीफ करते हुए हमने और बेटर लिखा था। तो इसमें किसी की आपने शागिर्द दी थी, कहीं आपने ट्रेनिंग ली थी? गुरु यही है। ओके, गुरु यही है आपके, ठीक है। तो गुरु जी से मैं सवाल करूँगा कि गुरु जी कितना टाइम हो गया आपको इस लाइन में आए हुए, ये जो सिंगिंग आप करते हैं? दो साल हो गए। मजाक भी उड़ाया कि हाँ तुम तो यार ऐसे टाइम बर्बाद कर रहे हो अपने, बट हमने हार नहीं माना, करते गए तो लगभग अब घर पे पूरा तो हम अब करते गए और लगभग 35 चैनल। कितनी दिक्कतें आती है आपको इस चीज को शूट करने में? काफ़ी आती है, मतलब क्योंकि सब कुछ खुद करते हैं हम, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम कभी कुछ और बहुत आती है, मतलब आपस में मैनेज। तो मिस्टर शाहनवाज आप बताइए ना, आपको आपको कौन सा रैप पसंद है? मुझे तो रैपर्स मैं कहूँगा बाबा सैकल जैसे, और एक रैप आया था ठंडा ठंडा पानी, और एक मेरी गाड़ी में बैठ जा, आपको कि ये इसमें सक्सेस हो पाओगे आप चार लोग? इंशाल्लाह अगर करेंगे तो जरूर होगा, कर रहे हैं वैसे, अपना बेटर दे रहे हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या होगा। तो अभी आपका फेवरेट रैपर कौन है? डिवाइन। मैंने पहले मैं लिखता था, ठीक है, तो मैंने 6 महीने बहुत लिखा। क्या लिखते थे? गाने बहुत लिखे मैंने 6 महीने, हिंदी गाने मैंने बहुत लिखे, रैप लिखे, ठीक है। देन उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को एक गाना निकालना चाहिए, देन हमारे एरिया में कोई है नहीं खासकर कोई रैपर जिसको जानते, वो सैदर ही था, ठीक है। तो मेरा दोस्त है, वो सैदर का
दोस्त था काफ़ी अच्छा, तो फिर मैंने उसे बोला कि भाई तू सैदर को बोलियो कि मेरे को गाना निकालना है, तो मेरे को उसकी हेल्प चाहिए, ठीक है, गाना निकालना। सो मेरी सैदर से बात हुई, तब हमने गाना शूट करा, हमने गाना करा साथ में, देन उसके बाद मैंने और लिखा और लिखा और लिखा, तो आई थिंक सैदर सैदर ने मेरे को कॉल करा, ठीक है, सैदर ने मेरे को कॉल करा, बोला कि तू घर पे आ जा मेरे, तो मैं घर पे गया सैदर सैदर के पास गया, तो सैदर और मैं और एक और मैं हमारा टीममेट था नेगी, तो हम तीनों ने बात करी, ठीक है, हम तीनों ने ग्रुप डिस्कशन करा, ठीक है, देन उसके बाद मैं इनसे इनके साथ ग्रुप में गया। आप इनसे जुड़ चुके हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो विस्तार, आप चारों में से, आप तीनों में से किसको सिंगर मानते हो, किसको गुरु मानते हो आप? जी गुरु की बात करो तो सारे ही है, बिल्कुल बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक ये कि हम सारा काम सारा खुद करते हैं, सब कुछ, मतलब कोई एक्स्ट्रा बंदा है? रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, वीडियो का शूट, उसकी एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग, वीएफएक्स वगैरह जो भी सब, और सब कुछ सब। रैपिंग लाइन में इतना स्ट्रगल है, वो गली बॉय मूवी में दिखाई दिया है। बिल्कुल वो फिल्म तो मुझे बहुत ही पसंद आई। तो दोस्तों जॉनी है हमारे साथ, आपको सुनवाते हैं उनकी आवाज का जादू और क्या वो कुछ नया लिखते हैं, क्या दमखम है उनके लिखने में, तो सुनिए जॉनी जायसवाल को। क्योंकि अभी तो काफी एक डिस्कशन हो गया है रैप की दुनिया के बारे में, बताया कौन किसका कौन सिंगर है, कैसे ये टीम बनी और कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या क्या ये करते हैं, ये भी थोड़ा सा अभी बाकी रह गया है, लेकिन अभी इनके अल्फाजों के साथ इनका जादू भी तो सुनना है बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि गाते क्या है, क्यों जॉनी, तो स्टार्ट कीजिए। एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले हमारे चारों की स्टडी साथ में थी, तो बीच में मैं अलग हो गया था जॉब के चक्कर में, फैमिली भी चलानी थी, तो इनसे दूर हो गया था, थोड़ी हाइप बन गई थी, डिस बन गया था, बट फिर दोबारा मिले तो अब पहली बार कोलैब किया है। मैंने यही सोचा था कि तुम जिस दिन मेरे को माफ कर दो उस दिन मेरे साथ कोलैब करना, सो कोलैब करा पहला, तो उसी का गाना सुनाता हूँ, हम तीनों उसमें। वैसे रैपर बनना चाहता हूँ पर कार्य प्रगति पर शब्दों में फीकापन है, ध्यान प्रस्तुति पर उन्नति से जिंदगी मेरी जो चल पड़ी तो खुद की शख्सियत पर राज कर लगाम कसता जिंदगी पर, मेरे शब्दों को धरती पर खींच लाई ग्रेविटी जो खेलते हैं ट्रेजेडी में, तो उन सबकी उन्नति कठोर शब्द थी मेरे लपलपी जुबान से, कलेजा फुटा फट रही थी तीर की कमान से, जो तेज दौड़े लक्ष्य की दिशा में से लक्ष्य है, जब तक मैंने लिखा है सबसे बेस्ट मेरे को लगता है ख्वाब है, तो ऐसे कुछ हो के मुझे दिखते नहीं ख्वाब अब, मुझे दिखते नहीं ख्वाब अब, मुझे दिखे दुनिया दूर समंदर में डूबी तभी दिखते नहीं इंसान अब, मुझे दिखते नहीं ख्वाब अब, मुझे दिखते नहीं ख्वाब अब, मुझे दिखे दुनिया दूर समंदर में डूबी तभी दिखते नहीं इंसान अब, कभी कभी दुनिया लगे थमी थमी, कभी कभी भीड़ देती है तन्हाई, कभी कभी मुट्ठी भरी भरी खाली लगे, कभी कभी साफ नहीं लगती मुझको परछाई, कभी कभी धड़कन बोले धधक करके मैं तनहा हूँ, रहम कर दे मुझको दे दे अब रिहाई, कभी कभी डालू कागज पर सिहाई और कभी कोरा कागज पर कह देता अनसुना ही, नया जुर्म पन पे हालातों के पीछे जहाँ सच के टुकड़े हों तलवों के नीचे, कहाँ तक ये नजरे टटोले सहारे को, कब तक ये पैर ख्वाबों को रोंदे थकान भरी तन में, सपनों की सुनने के भारी नतीजे जिनकी आंखों में न पन पे है ख्वाब, वो कहते तू दौड़ दे हम सबके संग में, मुझे दिखते नहीं ख्वाब। आंखों में आंसू थे मेरे, नखरे भी ढांसू थे तेरे, सोचा था क्या कहना मैंने, ले लूंगा साथ में तेरे, आंखों में आंसू थे तेरे, नखरे भी ढांसू थे तेरे, सोचा था क्या कहना मैंने, ले लूंगा साथ में तेरे, तू मेरी वैलेंटाइन है, तू बहुत नशीली वाइन है, मेरे शब्दों में भी साइन है, तुमकी बंदा पूरा फाइन है, सवाल है मेरा तुझसे, तुम चिढ़ती हो क्यों मुझसे, कभी पूछ तू अपने दिल से, क्या प्यार करती मुझसे, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तू मस्त पवन बन जा, बादल बन जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, दोनों के दिल में लगी चिंगारी तू भी जल जाएगी,
मैं भी जल जाऊंगा। क्या तुझे ऐसा लगता है जब जब चलती हो तुम सड़कों पे, छुरियां चल जाती लड़कों पे, उन लड़कों में मैं शामिल इतना जानता हूँ तेरे काबिल हूँ। तेरा स्टाइल लड़की बवाल है, एड़ी से सर तक कमाल है, मैं तलवार तो हूँ मियां, मैं तुझ पर ही रखता हूँ ध्यान में। काफ़ी छोटी एज है इनकी और इतना अच्छा टैलेंट इनके अंदर भरा हुआ है और इतना अच्छा ये लिखते हैं, तो उम्मीद है कि ये इससे भी अच्छा अच्छा लिखते रहेंगे और आपके आगे ये जो नए सॉन्ग हैं, रैप्स हैं, वो लाते रहेंगे। तो अगला सवाल करेंगी सारा जी। बिल्कुल, तो अभी सैदर की आवाज़ का जादू बाकी रह गया है, तो प्लीज़ आप भी तो जो एल्बम के बारे में बताया उसी एल्बम का गाना है, बट वो लड़की के मतलब लड़की के खिलाफ है। मतलब उसमें एक लड़की मतलब धोखा देती लड़की, तो लड़का गाता कि असर मेरे दिल और दिमाग पे, दर्द मस्तक में रक्त गिरे आँख से, एतबार मेरा बिखरा जमीन पे, तो सुना चाहूँ कफन में सफेद लिबास में, खिदमत में तेरी जब जिंदगी काटी तो बन गई नर्क, अब खुद को सवाल हुआ करेगा वाह भाई हर वही शख्स, जो देते तालीम से मुझे हर वक्त, नफ्स मेरी तेरी बस चाह करे, रख रवाना तेरी रूह में पनाह करे, तुझे आजाद छोड़ी जिंदगी सवाल करे, पर आज खुद को बना दिया काबिल, तू मांगे जवाब पर करूँ ना जाहिर, तेरे इस खेल में बन गया माहिर, उसने छोड़ा क्या करके ना बोलू ना बोलू ना बोलू ना बोलू ना चीज, अब कोई भी साथ दे वापस से तन्हा पर बोलू ना बोलू। आपके माइंड में आपका जो फ्यूचर है वो क्या है? फ्यूचर यही है, चारों का, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, क्योंकि हम कुछ करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, हमें फल मिलना है। बिल्कुल, तो मिलेगा, बिल्कुल तो भी अभी मैंने कम से कम इन चारों के 35 सॉन्ग सुने हैं जो कि अपने आप में ही बिल्कुल अल्टीमेट है, और वो सॉन्ग हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपकी आपने इनकी आवाज का जादू तो सुन ही लिया है। तो जोनी, मेरा सवाल ये होगा आपसे, क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों से, क्या मैसेज देना चाहोगे, अपनी तरफ से क्या कहना है फॉलोवर से हमारे? मैं अपनी तरफ से रैपिंग में ही कहना चाहूँगा, आंखों में है सपने तेरे, दुनिया से क्या पूछे, बढ़ना चाहे आगे मजबूरी पीछे खींचे, मिला है मौका आगे बढ़, चुनौतियों का सामना कर, अपने जज्बातों से लड़ क्यों, क्योंकि बातों ही बातों में बातों की बातों से बातें निकलती हैं, हिंदुस्तान की रातों बिगड़े हालातों की मेहनत पे चलती है, टैलेंट की दुनिया है धड़कन में शोर, करनी है मेहनत सफलता की ओर, इस भीड़ में बढ़ूंगा आगे कैसे, ऐसे ही चल हट परे हट मत कर बक बक, बढ़ना है आगे बनानी पहचान, कामयाबी की सीढ़ी के भूमि में निशान, हालातों ने डाली इन्हें शब्दों में जान, मैं तो उड़ता परिंदा छूऊंगा आसमान। वाओ, इतना बड़ा मैसेज है, यानी कि अपने रैप में ही इन्होंने आपसे इतनी उम्मीदें करी है, तो इनकी उम्मीदों पर कभी सक्सेस उतरना ही है। दूसरा सैदर सैम, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं तो कहूंगी रैप को मतलब बढ़ावा देते रहे, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं और हमें मिलते रहे जो हमें चाहिए ऑडियंस, क्योंकि हम दे रहे हैं उन्हें कुछ सुनने के लिए, तो वो भी हमें वो मोटिवेट करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लाइक शेयर कमेंट जो हमें चाहिए उनसे, और हमें फीडबैक दें, हम गलती क्या कर रहे हैं और अगली वीडियो में क्या बेटर कर सकते हैं। तो विकी जॉय, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, अपने फॉलोवर से, जो आपके मतलब आगे आपका क्रेज बना रहे, तो क्या सपोर्ट मांगते हैं इनसे, बोलिए। हम जो कर रहे हैं बस उसमें आपका सपोर्ट चाहिए आवाम का, ठीक है, और हमें फीडबैक चाहिए, और जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो हमें सलाह देनी चाहिए उनको, ताकि हम कर सकें और भी अच्छा कर सकें, बस इतना ही बोलना चाहेंगे। जी, जोनी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो हम कर रहे हैं बहुत मेहनत से कर रहे हैं, बहुत कुछ छोड़कर, बहुत कुछ खोकर, या तो कुछ पाना चाहते हैं और जनता भी पाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं सुनेंगे तो हमारा वेस्ट है सब कुछ, आप लोगों को खाली हमें सुनना है, खाली क्लिक करना है ऑन करके हमारी वीडियो देखनी है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपना जितना हो सके हमें बताइए कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में, और कितना अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है, और अपना प्यार देते रहें, दैट्स ऑल, यही चाहिए बस। तो मिस्टर शहनवाज, आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे लगे आपको इनके सॉन्ग, क्योंकि अभी आपने अभी हमने इनका इंटरव्यू लेने से पहले इनके सारे सॉन्ग सुने हैं, तो आप अपना क्या फीडबैक देना चाहेंगे इनके साथ? मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा ये गाते हैं और लिखते भी हैं, जो इनके अंदर इंटेंस है गाने की नॉन स्टॉप, काफ़ी लंबा ये सॉन्ग गाते हैं। एक्चुअली फिल्मों में हम क्या देखते हैं कि उसमें दो चार पांच वर्ड होते हैं और वो बार बार वही रिपीट होते रहते हैं, बट इनका काफ़ी लंबा सॉन्ग है और उन्होंने वन टाइम में इसको नॉन स्टॉप गाया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और साथ ही मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो ऐसे नए सिंगर्स आते हैं मार्केट में, आप उन्हें देखें और समझें और बार बार सुनें, ताकि उनका उत्साह बढ़े और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले,
उस प्लेटफॉर्म पे जो वो चाहते हैं करना, जो तो अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो जब आप उनको सुनेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो वो आपके लिए और बेहतर सॉन्ग बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे और बेहतर करेंगे आपके लिए। बिल्कुल, और मेरी साइड से तो यही होगा कि मैं तो इनके गानों से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई हूँ, और मैं अपने चैनल पर इनकी हर रिएक्शन पे, इनके हर सॉन्ग पे रिएक्शन देने वाली हूँ। मेरी तरफ से तो यही फीडबैक होगा। दूसरा एक चीज और कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं तो रीटेक नाम की एक चीज होती है, लेकिन उन्होंने भी लाइव किया उसमें तो कोई टेक ही नहीं लिया, क्योंकि हम लोग जब एक एंकर करते हैं उसमें भी रीटेक नाम की चीज होती है ना, तो मैं तो बहुत इनकी साइड में हूँ, सपोर्ट में हूँ, और उम्मीद करूंगी कि मेरे कहने से क्या, आप इनको सपोर्ट करें और इनकी अल्फाजों को देखें, इतनी कम एज के अंदर इन्होंने इतना, मतलब एक अल्फाज जो होते हैं जब एक मैच्योर इंसान हो जाता है तो अल्फाजों के साथ खेलना जानता है, लेकिन अब इनकी 17 और 18 ईयर्स की एज में इन्होंने अल्फाजों को जवाब नहीं है। और मैं भी कमेंट्स चाहूंगी कि इनके हर एक के लिए आप कमेंट्स करें और इनको आगे सपोर्ट करें और इनके रैप सुने, बस यही कहना चाहूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम कुछ और खास, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू, लव यू।